Orange four. Right heading. Right hand center. Magic straight and hard magic. Captain is your name. Captain is again. Magnetic field and earth magnetic, ये आपका चैप्टर नेम है, ठीक है, चैप्टर। और इसे फर्स्ट एडी लिखिए लार्ज एंड फोर्स, इसे क्या लिखना मुझे, लार्ज एंड फोर्स। तो व्हाट इज लार्ज एंड फोर्स, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन स्पेस हैविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, देन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। रिलेटेड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इन्होंने लार्ज फोर्स क्या कहलाता है, लार्ज फोर्स कहलाता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है एक ऐसे स्पेस में इंटर करता है, एक ऐसे रीजन में इंटर करता है, वे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं वहाँ इंटर करता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, है इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ है, ठीक है। तो दोनों का जो रिलेटिव मिलेगा वो क्या कहलेगा, लार्ज फोर्स कहलाएगा, क्या कहलेगा, लार्ज फोर्स, ठीक है। तो मतलब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर इन स्पेस इन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड एक्सिस में, एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किधर है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बताओ, इस पर जो फोर्स होगा इस पर दो फोर्स लगेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है ना, ठीक है। तो उधर क्या लगता है भाई, इधर समझाया जा रहा है, अभी पूछेंगे कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बताओ, अलोंग वाई एक्सिस, तो चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये वाई एक्सिस कहलाएंगे, ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई होगा, क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा बताओ, मैग्नेटिक फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेस और फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सर्टेन डेप्थ, फोर्थ फिंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हमने फील्ड डायरेक्शन कर दिया, और ये नहीं फील्ड की डायरेक्शन बताइए जेड में, फील्ड की डायरेक्शन है जेड एक्सिस, तो ये आपके एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये क्या होगा जेड एक्सिस, पेन की डायरेक्शन क्या होगी जेड एक्सिस, तो फील्ड आपकी इसके अलावा है जेड एक्सिस में, है ना, मोशन एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको फील्ड डायरेक्शन मतलब जेड में रखना है, जेड इधर है इधर रखना है ना, ठीक है। और इसको किधर रखना है, मोशन ऑफ चार्ज तो पॉजिटिव वाई में, तो देखिए थंब हमारा किधर जा रहा है बताइए, ऐसा करने से थंब हमारा किधर जा रहा है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, थंब किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे क्या वाई एक्सिस है, इस पर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है वो किधर लग रहा है बताइए, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर किधर लग रहा है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस लग रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ठीक है। तो देखिए ये दोनों फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के हैं, तो चलिए कोई जरूरत नहीं है कि एक दूसरे के अपोजिट हो, किसी एंगल पर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सभी चीजें मेजरली परपेंडिकुलर ले लिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मेजरली परपेंडिकुलर ले लिया। ये कंडीशन हमारे पास है कि मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव वाई में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव वाई में जा रहा है, ठीक है। देखें तो चलिए इसका रिलेशन क्या होगा, तो ये वेक्टर है इनका वेक्टर करना पड़ेगा, क्या करेंगे वेक्टर है ना, तो रिलेटिव फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, रिजल्टिंग फोर्स जो होगा, रिजल्टिंग फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स जो होगा आपका एफ स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, है ना, तो एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगा क्यू इंटू ई, है ना, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी क्यू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ए मैग्नेटिक फोर्स, है ना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, लार्ज फोर्स कहलाता है, क्या कहलाता है, ये रिलेटिव फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, लार्ज
लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मतलब ये आपका लॉरेंस फोर्स है, ये रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, लॉरेंस फोर्स। तो है अ चार पार्ट के लिंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए चार्ज पार्ट के चार्ज पार्ट के वही चार्ज पार्ट के इंटर वही चार्ज पार्ट के इंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटर इन स्पेस इंटर इन स्पेस हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल इज सर्टेन
इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होते हैं ना, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, रिजल्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा इसके अंदर जीरो हो जाएगा ना, तो रिजल्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स जीरो हो जाएगा ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ई माइनस मॉड ऑफ एफ एम, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स ना ठीक है, तो ये जगह जीरो इज इक्वल टू क्यू मॉड ऑफ क्यू ई माइनस क्यू बी क्रॉस बी ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मॉड क्यू ई इज इक्वल टू मॉड क्यू बी क्रॉस बी क्रॉस है ना, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू ई इक्वल टू क्यू मॉड बी बी साइन ऑफ 90 यूनिट वेक्टर है ना, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इक्वल बी साइन 90 1 और ये एम के 1 ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इक्वल बी ना, तो बी इक्वल कितना होगा बी इक्वल हो जाएगा आपका बी इक्वल टू ई अपॉन बी हो जाएगा, ई अपॉन बी ये वेलोसिटी क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक के रेशियो से एडजस्ट करते हैं, ये रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड देन नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इन सच स्पेस बिकम जीरो, इस केस में क्या होगा नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पर जीरो हो जाएगा ना, तो जब नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल जीरो हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल को अनडिवाइडेड चार्ज पार्टिकल क्या होगा वो अनडिवाइडेड इन द फील्ड, चार्ज पार्टिकल फील्ड में बिना किसी डिवीजन के बिना किसी डायरेक्शन चेंज किए हुए सीधे चला जाएगा ना, ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन में अपना मोशन मेंटेन रखते फील्ड के बाहर आ जाएगा ठीक है, इसलिए इस वेलोसिटी क्या कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर है ठीक, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और स्टेप से एडजस्ट करते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है बिकम इक्वल टू स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल ना, देन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स एंड इट कम आउट फ्रॉम द फील्ड ठीक है, तो दिस दिस डिवाइस इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर ठीक है, तो ये फील्ड जो है किस वेलोसिटी को सिलेक्ट कर रहा है मतलब उस वेलोसिटी को सिलेक्ट कर रहा है जिसके लिए जो वेलोसिटी चार्ज को जो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड रेशियो के बराबर है ना, जो वेलोसिटी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है हां उस वेलोसिटी पे सिलेक्ट कर लेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा क्या होगा फील्ड के बाहर आ जाएगा, वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा फील्ड के बाहर आ जाएगा, ये आपका कंडीशन फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर हो गया, ये क्या हो गया कंडीशन फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर ना, तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड से बाहर लेना है तो आपको क्या करना है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्टेप से एडजस्ट करिए कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड बिकम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ना, देन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स एंड इट कम आउट फ्रॉम द फील्ड ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्वालिफाइड किस के बराबर होगा ई अपॉन बी के बराबर होता है, ई अपॉन बी के बराबर होता है ठीक है।